आपने आलू के चिप्स, केले के चिप्स तो बहुत खाए होंगे, पर यहाँ पे एकदम डिफरेंट, बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं लेके आई हूँ। बहुत हेल्दी चीज़ से बनी हुई ये चिप्स की रेसिपी है, जिसे बना के आप अपने बच्चों को पैकेट्स वाली चिप्स से दूर रख सकते हैं और दे सकते हैं एक हेल्दी ऑप्शन उन्हें चूज़ करने का। तो ये है शकरकंद की बनी हुई क्रिस्पी करारी क्रंची ये चिप्स, जिसे आप अपने पसंद के फ्लेवर दे के जितना चटपटा चाहें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये शकरकंदी ली है जो कि लाल वाली है ये, इसे आप चाहें तो वाइट वाली, जो सफ़ेद वाली आती है, आप उससे भी बना सकते हैं, और चाहें जितना बड़ा या छोटा आप उस हिसाब से शकरकंदी लेके आप बनाएं। तो मुझे यही वाली मिली थी, तो मैंने यहाँ पर छिलके बहुत अच्छी तरह से वॉश करके ऊपर के जो रेसे थे वो हटा दिए हैं, और उसे छिलके सहित ही मैंने पानी में इस तरह से ग्रेट कर लिया। ये जल्दी ही काले पड़ जाते हैं, इसलिए इसे पानी में ही करें। ये देखें, पतले पतले मैंने बिल्कुल इसके स्लाइसेस निकाली हैं, ये देखें कुछ इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से पतले पतले हमें इसके स्लाइसेस निकाल लेनी है, और अभी क्या करना है, इसे धुल भी देना है हमें, और साथ ही तैयार करना है ये नमक के साथ पानी का घोल। तो इसके लिए मैंने नमक लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे और अच्छी तरह से इस तरह से घोल के और साइड में रख लेते हैं हम, तो जो कि हमें अलग से फिर नमक नहीं डालना पड़ेगा, इस तरह से बना के और रख लेते हैं। और अभी इससे क्या करना है, हमें अच्छी तरह से धुल लेना है, और धुलने के बाद सारे ये जो चिप्स हैं इसे एक किचन टॉवल पे निकाल के हमें फैला देना है, ताकि थोड़े से ये ड्राई हो जाएं और तेल में जाके ये बहुत तेज़ से छींटे ना हमें मिले इसका। इस तरह से अभी किचन टॉवल पे फैला देते हैं, और साथ ही ऊपर से एक और टॉवल से इसे ढक देते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बच्चों को हेल्दी चिप्स खिलाने का। घर में अच्छे से तेल में इसे फ्राई कर लें, और हेल्दी तेल में फ्राई कर लें, और बच्चों को पैकेट्स वाली चीज़ों से, मार्केट की पैकेट वाली चीज़ों से दूर रखें। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा ये ड्राई हो चुका है, तो अभी हम साथ में गर्म करते हैं। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जो भी तेल खाते हो आप उसमें इसे बना सकते हैं। तो इसे मैंने डाल दिया इसमें मुट्ठी भर चिप्स को, और साथ ही डाल देना है हमें जो मैंने पानी और नमक का ये घोल बना के तैयार किया था। तो इसमें हम इस तरह से एक डेढ़ चम्मच के करीब डाल देंगे। तो यहाँ पे नमक आप जितना खाते हो उस हिसाब से ही डालें, क्योंकि बहुत तेज़ नमक सोखता है ये जो चिप्स है, तो इसलिए नमक ज़्यादा ना होने पाए, अपने अंदाज से जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से इसमें नमक डालें। तो ये बहुत ही क्रिस्पी करारी ये चिप्स बनते हैं फ्रेंड्स, ऊपर से आप जो भी मसाला पसंद करते हो उसके टेस्ट में आप इसे बनाएं, नहीं करते हो पसंद तो आप मसाला ना ऐड करें। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे बनते हैं, इसे आप स्टोर करके आप एयरटाइट कंटेनर में भर के बना के रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये फ्रेश बने रहते हैं। कहीं आप सफ़र में जा रहे हो तो भी इसे पैक करके ले जा सकते हैं, एक हेल्दी ऑप्शन होगा आपके लिए, मंचिंग के लिए, आपकी जो छोटी मोटी भूख बीच में लगती है तो उसके लिए। तो ये बना के ज़रूर रखें, और मैंने साथ में ही केले के चिप्स का, केले के वेफर्स का की रेसिपी चैनल पे अपलोड की है, ज़रूर देखें। आलू के चिप्स की भी है जो कि सुखा के पूरे साल रखी जाती है। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, ये बाकी के चिप्स भी डाल के इस तरह से तल लेना है, और साथ में ही ऐड करना है इसमें नमक वाला पानी। तो फ्लेम को फुल ही रखें, बिल्कुल भी स्लो ना करें, नहीं तो ये पानी छोड़ेगा और वो गल के इसमें टूट जाएगा। तो पूरी तेज़ फ्लेम पे रखें, बस ध्यान रखें चिप्स को जलने ना पाए, चलाते रहें, और जैसे ही लगे कि बहुत तेज़ फ्लेम है तो उसे स्लो कर लें थोड़ा। तो ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी करारे हमारे चिप्स ये तैयार हो रहे हैं, ये देखें। तो है ना बहुत ही हेल्दी ये ऑप्शन, जो हम मार्केट के पैकेट्स वाले चिप्स जो होते हैं वो लाते हैं। ये देखें, ये तैयार हो गए बिल्कुल हल्के फुल्के से ये शकरकंद के चिप्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी याद दिला दूँ कि रेसिपी मेरी अगर पसंद आती हो तो लाइक करना ना भूला करें। आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है ये चिली फ्लेक्स है, भुना हुआ जीरा है, काली मिर्च है, चाट मसाला है, कश्मीरी मिर्च है, और नमक थोड़ा सा मैंने लिया है। तो मैंने थोड़ा कम नमक ऐड किया था इसलिए मैंने साथ में लिया है, और आप यहाँ पे काला नमक डालें सफ़ेद नमक की जगह। मेरे पास काला नमक ख़त्म हो गया था,
तो मैंने सफ़ेद नमक ले लिया। तो इस सबको मिक्स करके अच्छी तरह से, और इसमें हमें इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है, छिड़क लेना है। तो इस तरह से चारों तरफ हमें डाल देना है। तो यहाँ पे आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ ना पसंद हो उसे हटा दें मसालों में से। और अगर हल्का फुल्का खा लीजिए, आपको ये चिप्स का टेस्ट पसंद है, तो काली मिर्च और काला नमक डाल के आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से टॉस करते करते मैंने चारों तरफ से इस सारे मसाले को इस तरह से इसमें छिड़क लिया है, और इस तरह से टॉस कर कर करके इसमें मिला लेना है मसाले को। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कितने ये करारे, कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची तैयार हुए हैं। तो इस तरह से बना के आप भर लीजिए डिब्बे को अपने, और इसे रखिए बहुत दिनों तक, 10 से 15 दिनों तक, और भी ज़्यादा टाइम तक आप रखें। पर ये चलते नहीं हैं लंबे, क्योंकि ये बचते ही नहीं हैं, तो इतने लंबे स्टोर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बनते इतने क्रिस्पी, इतने करारे हैं, थोड़े से मीठे होते हैं ये, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बहुत ही अलग सा, बहुत यूनिक सा टेस्ट होता है इसका, जो कि बहुत ही हेल्दी तरीके का होता है। तो ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारी, ये टूट रहे हैं, ये टूटने से भी लग रहे हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक किए बिना, शेयर किए बिना, और एक छोटा सा कॉमेंट किए बिना ना जाइएगा। और साथ के साथ चैनल विज़िट करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी किचन के कामों में। तो एक बार चैनल विज़िट ज़रूर करिएगा, और वहाँ पे भी अगर पसंद आए कोई चीज़ तो वहाँ पे भी एक लाइक करके ही आइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। देखते रहें ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। बाय।